बैक टू माई चैनल एंड आई एम रियली सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं टेलीग्राम पे थोड़ा बिजी था। एंड अगर आपको मेरी डिले वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और मुझे टेलीग्राम में जाके जल्दी से जल्दी फॉलो करो। मैं ज़्यादातर फोटोज़ वहाँ पे अपलोड करता हूँ अभी। एंड यूट्यूब पे मैं सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को अपलोड करूँगा। अब मैंने एक तो स्पेसिफिक टाइम बना लिया, थर्सडे को मैं सिर्फ अपलोड करने वाला हूँ, बस थर्सडे को। एंड सो आज हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट अपकमिंग फोन्स के बारे में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले में है आपका ओप्पो। ओप्पो अच्छा फ़ोन है बट इसका जो अभी ओप्पो वालों ने अभी स्टाइल दिया है इसे बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें इस विथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 5G भी है इसमें। एंड इसके अगर दिवाली वर्जन आप नोटिस करोगे तो इसमें 4 कैमरा। एंड ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ये अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की, वहाँ पे ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। आप लोग अपने भाई बहन के लिए जूम क्लास ले सकते हैं। बहुत ही सही फ़ोन है विथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 5G। सो सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड पे है हमारा मोटोरोला। मोटोरोला का तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मोटोरोला अच्छा फ़ोन है बट वो जेड फ्लिप जैसा ही है। जब हम लोग फ़ोन को ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले ऑन हो जाता है। फिर हम जब इस फ़ोन को खोलते हैं तो यहाँ का जो डिस्प्ले होता है वो ऑफ हो जाता है और यहाँ का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो वैसे जेड फ्लिप में प्रोग्राम किया गया था सैमसंग वालों से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप फ़ोन बंद करते हैं तो नीचे कैमरा होता है और आप उसे ऐसे भी फोटो ले सकते हैं विदाउट एनी पार्टनर। बहुत इजी होता है। इंस्टाग्राम या फेसबुक में अगर आप फोटो अपलोड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, कोई भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ ऐसे फ़ोन को रख दोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको अरेंज कर लेगा और फोटो खींच लेगा। सिर्फ उसमें टाइमर सेट करने की देरी होती है। और इसमें भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा है। एंड्रॉयड विथ एंड्रॉयड 10 भी है इसमें। एंड तो अभी हम लोग और पे है हमारा वीवो। आपने वीवो आप लोग तो वीवो को जानते हैं, बहुत ही सही फ़ोन है। और वही अगर हम लोग कंपेयर करें वीवो V11 को या V20, हाँ वीवो V20 को अगर हम लोग कंपेयर करें पुराने वीवो के फ़ोन से तो दोनों सेम है, सिवाय ये इस चीज़ को छोड़ के कि इसमें अभी आई ऑटो फोकस दिया गया है वीवो वालों से। वीवो वालों ने इसमें आई ऑटो फोकस दिया, जैसे ही मैं आगे आऊँगा तो पीछे सब कुछ ब्लर हो जाएगा। तो जो दूसरा पार्टनर होगा वो भी तो बैकग्राउंड में होगा ना, तो पीछे सब ब्लर हो जाएगा। फिर जब दूसरा पार्टनर वहाँ से आएगा तो मैं ब्लर होगा, मैं भी तो बैकग्राउंड के साथ हूँ, वो फ़ोन बैकग्राउंड और मुझे ब्लर कर देगा और जो आगे पार्टनर है उसे ब्लर नहीं करेगा। सो सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब वही 120 हर्ट्ज स्क्रीन, स्मूथ स्क्रीन, रिफ्रेशमेंट, वही सब फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी उसमें अवेलेबल होगी। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे है हमारा MI आज तक का सबसे बेस्ट फ़ोन है। बट MI उस लिए ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे फोन मीन्स बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, लाइक MI Band 4, 3, 2, 1, MI Note 7, 8, 9, 10। मैं आपको MI Note 7 दिखाता हूँ, क्या आप देख सकते हो। इसकी बैटरी थोड़ी अभी कम है, मैं चार्ज करना भूल गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है MI Note 7 जिसमें कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशमेंट है। अभी इसकी बैटरी कम है सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि हाउ इज़ माई MI Note 7। मैं आपको दिखाऊंगा पक्का, अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आए तभी। और जो भी MI का नया फ़ोन आया है MI Note 9 Pro या Pro Max, वो भी अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में चल रहा है। बहुत सारे फ़ोन अभी मीन्स अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में लाइक मोटोरोला, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, जो मैंने अभी बोल चुके हैं वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, MI, सैमसंग, बहुत ही तगड़े वे में मीन्स अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बहुत ही मीन्स तगड़े वे से मैंने धमाका मचा रहे हैं। मीन्स इतना सस्ता फ़ोन, मीन्स कोई भी आदमी सब सारे फ़ोन एक बार में खरीद लेगा, इतना सस्ते फ़ोन मिल रहा है। सो अमेज़ॉन में जाके देखो, अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की लिंक वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके देख लो। ओके सो अभी हम लोग बात करते हैं MI के बारे में। MI का जो फ़ोन है उसमें भी ड्यूअल कैमरा आप देख सकते हो, पूरा ऐसे ड्यूअल कैमरा है। एंड
बहुत ही अच्छा है, बट जो MI रोड्स है मैंने आपको दिखाया था वो उसी की तरह, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अभी के जो फ़ोन आ रहे हैं 2020 में, ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उन्होंने 120 हर्ट्ज सेट कर दिया है, फ़ोन स्मूथ चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर या कैमरा बदल दो तो फ़ोन अलग हो जाता है। अभी हम लोग आते हैं फिफ्थ पे है हमारा सैमसंग, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, एंड सैमसंग ने अभी निकाला है S20 FE, एसी का शॉर्ट फॉर्म S20 FE। आप सोच रहे होंगे FE क्या है, एसी आईफोन एसी सुना है, FE क्या है? FE है फैन एडिशन, सैमसंग S20 फैन एडिशन। तो उन लोगों ने जो फ़ोन निकाला बहुत ही तगड़ा है, और अगर आपने उसकी एड नहीं देखी है सो वहाँ ऊपर लिंक है आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही सही फ़ोन है, और इसमें बैटरी लाइफ और गेमिंग भी इम्प्रूव हो चुकी है। पहले जब आप फ़ोन स्विच ऑन करते थे तो वो कहता था दिस ऐप हैज़ स्टॉप। तो अभी वैसा S20 फैन FE मीन्स फैन सैमसंग S20 फैन एडिशन में वैसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी सब कुछ इम्प्रूव हो चुका है सैमसंग में सब कुछ अभी इम्प्रूव हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज डन। एंड सिर्फ सैमसंग का कोई मीन्स अभी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वही जो लॉन्चर है मीन्स कैमरा वैसे का वैसे ही है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशमेंट वही सब कुछ सेम है, देर इज़ नो चेंज इन सैमसंग फोन, वही सेम है, फिंगरप्रिंट फेस स्कैन ID SD सब। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ग्रुप फैमिली मेंबर से, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके नंबर वंबर दे के OTP आ जाएगा, आप साइन इन कर सकते हो इजीली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मुझे टेलीग्राम में फॉलो करने की। एंड प्लीज़ मेरे चैनल के एप्लीकेशन को देखो कैसा है, कमेंट्स में लिखना मुझे, कमेंट्स ऑन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।